हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ खोई का मोआ। देखिए लड्डू सुपर टेस्टी और साथ में हेल्दी भी, क्योंकि यह गुड़ से बना हुआ है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। खोई का मोआ इसे बनाने के लिए मैंने खोई 250 ग्राम के करीब ले लिया है और 200 ग्राम खजूर गुड़ ले लिया। पहले पैन में दूध डाल दिया। ये देखिए गुड़ ऐसे ही मेरा मेल्ट किया हुआ है, खजूर गुड़ है। अगर सूखा हुआ गुड़ आपने लिया है तो थोड़ा सा उसमें ढेला तोड़ के छोटा छोटा करके हल्का सा पानी ऐड कर दीजिए और इसे हल्का सा बॉयल कर लेना है। इस तरह से लगातार चलाते रहना है। तीन चार मिनट ही हुए हैं, अभी चेक कर लेना है। इस तरह से चेक करें, देखिए इसमें तार बन रहे हैं। तब हमारा जो ये गुड़ है तैयार हो चुका है। इसे चेक करने की एक बोरक भी दिया है। एक कटोरी में पानी ले लिया, उसमें थोड़े से गुड़ डाल दें। देखिए ये नीचे बैठ गया है, मतलब तैयार हो चुका है। अब इसमें खोई जो है वो मैं डाल देती हूँ। धीरे धीरे करके गैस बंद कर देना है। तार चलाते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है। से देखिए हो जा रहे हैं, लड्डू तैयार हो रहे हैं। बस इसे उतार लेना है। इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया मैंने। अब झटपट से इसे गोल गोल मोआ बना लेना है, वरना ये सूख जाएंगे। देखिए इस तरह से बढ़िया इस तरह से मैं सारे मोआ इस तरह से तैयार कर लेती हूँ। लीजिए तैयार है, सुपर टेस्टी, साथ में हेल्दी भी है और बच्चों को तो काफी पसंद है। ये झटपट बनने वाली रेसिपी 5-10 मिनट के अंदर आपका तैयार हो जाएगा। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।